अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, नॉवेल अबाका की न्यू एपिसोड में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहें लाइब्रेरी वॉइस पे आने वाली अच्छी अच्छी नई और मुनफरिद कहानियों की अपडेट्स। जी तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तारीख रात में एक बार फिर उसका सफर शुरू हो चुका था। वो चौकी की तरफ से बिल्कुल मुतमाइन था। मुमकिन था कि अब तक पहरेदार अपनी रस्सियां खोल चुके हों, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वो जानता था पहरेदार खामोशी अख्तियार करेंगे। अगर वो किसी को बताएंगे कि मफरूर अबाका उन्हें रस्सियों से बांध कर चला गया है तो कमांडर उनकी गर्दनें उड़ा देगा। थोड़ी देर बाद मतला साफ हो गया और सितारे निकल आए। अबाका ने अपना रुख दुरुस्त किया और मजीद तेजी से आगे बढ़ने लगा। अबाका का राशन खत्म हो चुका था। वो भूख से निढाल बर्फजार में भटक रहा था। दोपहर से थोड़ी देर पहले उसे सफेद बर्फ पर एक मुतहरिक धब्बा नजर आया। शायद कोई जानवर था। उसने कंधे से कमान उतारी और घोड़ा उस जानिब दौड़ा दिया। जो ही वो एक टीले के अकब से निकला, सामने घुड़सवारों की एक टुकड़ी दिखाई दी। ये 5 घुड़सवार थे, सर तथा पैर ऊनी लिबादों में छुपे हुए और मुसल्लह। अबाका को पहचानने में देर ना लगी कि चौगताई खान के अस्करी हैं। परेशानी की बजाय उसे एक तरह का इत्मीनान हुआ। पलक झपकते में घुड़सवार उसके सर पर पहुंच गए। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। एक सिपाही के हुक्म पर अबाका ने चेहरे से समोर का कपड़ा हटाया। उनमें से कोई भी उसे नहीं जानता था। कहां से आ रहे हो? एक ने कड़कदार आवाज में पूछा। अबाका के लिए अब आसानी ही आसानी थी। उसने जान बूझ कर ऐसे जवाब दिया जिनसे सिपाहियों के शकूक में इजाफा हो और वो उसे अपने सरदार तक ले जाए। उसका मकसद पूरा हुआ। सिपाहियों ने उसे दरमियान में लिया और पड़ाव की तरफ रवाना हो गए। वो उसे मुसलमानों को भटका हुआ जासूस समझ रहे थे। उनकी बातों से अबाका ने अंदाजा लगाया कि उनका सालार निहायत सख्त गिर शख्स है और खास तौर पर जासूसों से बहुत संगदिली से पेश आता है। ये भी पता चला कि चंद जासूसों की गिरफ्तारी के बाद मंगोल इन दिनों बहुत मोहतात हैं। रास्ता भर सिपाहियों से आने वाले अजाब के जिक्र से खौफजदा करते रहे। कोई निसफ मंजिल का सफर तय करके ये मुख्तसर सा काफिला एक पड़ाव में पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा पड़ाव था। एक हमवार मैदान में सैकड़ों खैमे एस्तादा थे। अबाका ने दूर ही से चौगताई का खैमा और उस पर लहराता हुआ या की दुमा वाला परचम देख लिया। वो सही जगह पहुंच गया था। छकड़ों की एक तवील कतार के अकब से होते हुए पहरेदार एक बड़े खैमे के सामने पहुंचे। ये खैमा असल पड़ाव से निस्फ कोस के फासले पर था। उसके साथ छोटे छोटे चंद और खैमे थे। अबाका ने अंदाजा लगा कि चौगताई खान के हिफाजती दस्ते का पड़ाव है। बुलंदी पर होने की वजह से हिफाजती अमला इर्द गिर्द बेहतर तौर पर नजर रख सकता था। अबाका को खैमे के अंदर पहुंचा दिया गया। उसके हाथ पांव मजबूती से बांध दिए गए। सिपाही वापस चले गए। खैमे के दरवाजे पर मौजूद पहरेदारों की बातों से पता चला कि सरदार बड़े पड़ाव में गया हुआ है। अबाका ने सरसरी नजरों से खैमे का जायजा लिया और उसने महसूस किया कि सिपाहियों ने अपने सालार की संगदिली और सफाकी का जो नक्शा खींचा था वो कोई ऐसा गलत भी नहीं था। खैमे में एजा रसानी के कई आलात मौजूद थे और फर्श पर एक नीम जान शख्स पड़ा सिसक रहा था। ये कोई मकामी शख्स था जिसे किसी शुबह में यहाँ लाया गया था। उसके जिस्म पर जख्मों के अनगिनत निशान थे। दांत टूटे हुए थे और होंठ कटकर लटक रहे थे। लगता था उसे बेदर्दी से मारा गया है। मजीद अजियत के लिए उसके तमाम जख्मों में नमक भर दिया गया था, लेकिन ये नमक अब शायद मजरूब को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा था। वो नकाहत की उस मंजिल पर पहुंच चुका था जहाँ तमाम एहसासात बराए नाम रह जाते हैं। पानी, मजरूब के होंठों से निहायत नहीफ आवाज बरामद हुई। खैमे को एक दबेज पर्दे से दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। ये पर्दा हिला और एक खूबसूरत नौखेज खादमा ने अंदर झांका। वो कदरे दुख से मजरूब की तरफ देख रही थी, लेकिन वो पानी लेने नहीं गई, शायद उसे हुक्म नहीं था। फिर उसकी निगाह अबाका पर पड़ी और उसकी आंखों में बेपनाह तासुफ नजर आने लगा। शायद वो इस नए कैदी के अंजाम का सोच रही थी। अबाका ने उसकी आंखों में हमदर्दी की झलक देखी तो उसे करीब बुलाया। वो उससे उसके सरदार के मुतालिक कुछ पूछना चाहता था, लेकिन खादमा उसके पास आने से हिचकिचाती रही। इतने में एक और औरत उसके अकब में नजर आई और वो दोनों पर्दे के अकब में चली गईं। खादिमा के जाने के बाद अबाका काफी देर इस नई सूरत हाल के बारे में सोचता रहा। वो अगर यहाँ से फरार होना चाहता तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिलहाल वो किसी तरह की हंगामा आरई नहीं चाहता था। आइंदा की मंसूबा बंदी करते करते उसे ऊंग आ गई। नीम गर्म खैमे में वो ना जाने कितनी देर ऊंघता रहा। दफतन एक आहट से वो जाग गया
पहरेदारों की आवाजें बता रही थी कि उनका सालार वापस आ गया है। फिर खैमे का पर्दा हिला और एक लहीम शहीम शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसका रुख जमीन पर पड़े मजरूब की तरफ था। शायद उसने अबाको को देखा ही नहीं। तलवार की नोक चुभ होकर उसने मजरूब की हालत का अंदाजा लगाया। फिर एक करख्त आवाज खैमे में गूंजी, मर गया हरामी, ले जाओ इसे। मौतदा पहरेदार तेजी से आगे बढ़े और लाश उठाने लगे। उस वक्त दस्ताए सालार ने मुड़कर अबाका की तरफ देखा। अबाका को सालार की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अब उसका चेहरा देखा तो उसे शदीद झटका लगा। खुदा की पनाह, अजीब खौफनाक शक्ल थी सालार की। उसका चेहरा पिचका हुआ था। यूं लगता था गरम लोहे के गोले को वजनी हथौड़े की जरब से टेढ़ा कर दिया गया है। पेशानी पर और आंख के नीचे एक जख्म दरार की सूरत में चला गया था। उसकी वजह से पेशानी सुकड़ गई थी और एक रुखसार की हड्डी अंदर दब गई थी। अबाका हैरानी से देखता रहा। उसे इस बदशक्ल चेहरे में शनासाई की झलक दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सालार की आंखों में भी बेपनाह तहय्युर नजर आ रहा था। फिर अबाका के जहन में एक जबरदस्त धमाका हुआ। उसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया, लेकिन आंखों देखे मंजर को वह क्यों कर झुटला सकता था। उसके सामने हेंडास खड़ा था, बुल्गारियन पहलवान हेंडास, जिसे वो झील बालिकश के नवाह में एक चट्टान से खड्ड में धकेल चुका था। दोनों चल अमे साकित नजरों से एक दूसरे को देखते रहे। फिर हेंडास के हलक से एक फलक शगाफ कहकहा उबल पड़ा, जैसे वजनी चट्टान नशेब में लुढ़कती है। हेंडास का कहकहा बुलंद और तेज होता चला गया। कहकहे की हालत में उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। आखिर उसने खुद पर काबू पाया और धीमे कदमों से चलता अबाका के सामने पहुंच गया। उसके होंठों से सरसराती आवाज निकली, शुक्र है खुदा का, मेरा इंतजार खत्म हुआ। अबाका ने कहा, हेंडास अगर तुम जिंदा बची गए हो तो जिंदगी की कद्र करो। हेंडास की आंखों में शोले भड़क रहे थे। कैसी जिंदगी और कैसी मौत अबाका, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, मुकाबला जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं तुझे अपने से भी ज्यादा खौफनाक बनाकर मौत के मुंह में न धकेल दूं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि सुनने वालों का कलेजा मुंह को आएगा। कोहल ताई का सीधा साधा नौजवान खामोश था। उसके चेहरे पर गजब का कोई इशारा नहीं था। लगता था उसे इस खौफनाक पहलवान के गजब और उसकी धमकियों से कोई सरोकार नहीं। हेंडास चंद लम्हे उसे सफाक नजरों से घूरता रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ तू यहाँ क्यों आया है। मारीना की याद तेरी मौत बनकर तुझे यहाँ ले आई है। मुझे खुशी है कि तेरी मौत के साथ मेरे आका चौकताई की इज्जत भी महफूज हो जाएगी। अबाका अब भी खामोश था। हेंडास खूनख्वार नजरों से उसे देखता रहा, फिर पहरेदारों को हिदायत देने लगा। पहरेदारों ने उसकी मशकें मजीद मजबूती से कसी और तलवारों की नोक से धकेलते हुए दूसरे खैमे में ले गए। ये निस्बतन छोटा खैमा था और हर किस्म की सहूलत से आ रही। खैमे से बाहर हेंडास ने चौकस पहरेदार मुतय्यन कर दिए थे। अबाका सोचने लगा, हेंडास अब क्या करेगा, क्या वो चौहताई को उसकी गिरफ्तारी की इतला देगा। लेकिन हेंडास की बातों से अंदाजा होता था कि वो ऐसा नहीं करेगा। शायद वो उससे दूबदू मुकाबला करना चाहता था। ये भी हो सकता था कि वो तन्हाई में रखकर उसे अजियतें देना चाहता हो। बहरहाल कुछ भी था, ये अबाका का दर्द सर नहीं था। उसका दर्द सर ये था कि वो यहाँ से कैसे फरार हो सकता है और क्यों कर मारीना के पास पहुंच सकता है। उसने गले में बंधे फूलदार कपड़े को छुआ और उसे अपने अंदर एक नई ताकत का एहसास होने लगा। असदुल्ला ने गार के अंदर असर की नमाज अदा की और सरदार युरक के करीब आ बैठा। दोनों के दरमियान आग जल रही थी और उसकी रोशनी उनकी आंखों में सोच की परछाइयां उजागर कर रही थी। सरदार युरक बोला, तुम ज्यादा से ज्यादा कितने आदमी जमा कर सकते हो। असदुल्ला ने कहा, मैंने कोकंद में काफी काम किया है, मुझे उम्मीद है मेरी हिदायत पर कम से कम 300 नौजवान जरूर यहाँ जमा हो जाएंगे। करीबन 100 अफराद करीबी कस्बे से भी आ जाएंगे। अगर तुम कुछ देर इंतजार कर सकते हो तो बल्क से कमोबेश 200 रजाकार पहुंच सकते हैं। युरक बोला, नहीं, उनकी जरूरत नहीं, हमारे पास वक्त कम है। वो बेवकूफ अब तक काफी दूर निकल चुका होगा। उसका इशारा अबाका की तरफ था। अबाका के जाने के बाद युरक बेचैन हो गया था। इस बेचैनी को वो कोई नाम नहीं दे सकता था। औरत से सरदार युरक को खास लगाव नहीं था, उसकी औलाद भी नहीं थी। उसे मालूम नहीं था बच्चे की मोहब्बत क्या होती है, लेकिन अबाका के लिए उसके दिल में एक नरम गोशा हर वक्त मौजूद रहता था। वो जानता था मारीना की कशिश उसे वापस कराकुरम ले गई है, लेकिन कराकुरम का हर गोशा एक खुली कब्र की तरह उसे निगलने के लिए तैयार था। और शामान की पेशगोई, उस पेशगोई की मौजूदगी में
अबाका का यह सफर मौत का सफर था। यूरक ने असदुल्ला के साथ मिलकर फैसला किया था कि वो अबाका की मदद की कोशिश करें। पौरिज़म की सरहद पर तीन चौकियां ऐसी थीं जिनसे बचकर कराकुरम की तरफ सफर जारी रखना खासा दुश्वार था। ऐन मुमकिन था कि अबाका उन्हीं में से किसी चौकी पर गिरफ्तार हो चुका हो। यह भी इम्कान था कि वो बर्फबारी की वजह से रास्ते ही में कहीं रुका हुआ हो। इस सूरत में उसे वापस लाया जा सकता था। यूरक से तवील मशवरे के बाद असदुल्ला गार से निकला। सूरज मगरिब की तरफ झुका हुआ था। एक पत्थर पर चढ़कर उसने इधर उधर देखा और जेब से एक सुर्ख रूमाल निकालकर हिलाने लगा। दूर करीबन एक कोस के फासले पर शीशे की चमक दिखाई दी। असदुल्ला को कोई साथियों से जवाबी पैगाम दे रहा था। एन उस वक्त सैकड़ों मील दूर अबाका उस छोटे से खैमे में बैठा अपने दिल की धड़कने गिन रहा था। कोई अनजानी कशिश उसे बड़े पड़ाव की तरफ खींच रही थी। ठठरी हवा में वो मारीना के सांसों तक की महक सूंघ रहा था, लेकिन हेंडास की चुंगल से निकलना कुछ ऐसा आसान ना था। वो बुरी तरह फंस चुका था। उसकी मशकें मजबूती से कसी थी और बाहर बेनयाम तलवारों का पहरा था। वो खैमे में बैठा सोचता रहा। फिर सूरज गुरूब हुआ और तारीकी ने चारों तरफ पर फैला दिए। काफी देर बाद खैमे का पर्दा हिला और एक खादिमा अंदर दाखिल हुई। वो उसके लिए खाना लाई थी। शमा की मध्यम रोशनी में अबाका ने उसका चेहरा देखा। ये वही लड़की थी जिससे मरते हुए शख्स ने पानी मांगा था और वो हसरत से देखती रही थी। अबाका के करीब आकर उसने खाना जमीन पर रखा। कुछ देर गहरी नजरों से उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने इत्मीनान से अपने लिबास में हाथ डाला और एक छुरी निकालकर अबाका की रस्सियां काटने लगी। अबाका हैरान रह गया। वो उसकी मदद कर रही थी, लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी जिंदगी अजीज नहीं थी? जब तक अबाका ने यही सवाल लड़की से पूछा, वो उसके हाथ आजाद कर चुकी थी। मध्यम लहजे में बोली, मैं मौत और जिंदगी की हद पार कर चुकी हूँ अजनबी, मुझे किसी का खौफ नहीं। तब अबाका ने गौर से उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें गहरी सुर्ख और अश्कबार थी। मैंने जहर खाया है अजनबी, लड़की की सरसराती हुई आवाज आई। आज तुमने जिस शख्स को पानी के लिए तरसते और मरते देखा है, वो मेरा शोहर था। ये मौत नहीं तो और क्या है कि मैं अपने शरीक जिंदगी के मुंह में पानी के चंद कतरे न टपका सकी। जब मंगोल पहरेदार मेरी इज्जत लूट रहे थे, मेरा शोहर मेरी चीखें सुन रहा था, लेकिन ये सदमा मुझे भूल गया। मेरे शोहर को जासूस होने के शुबह में जानवरों की तरह अजियतें दी गईं। उसकी चीखें मैं तीन रातें सुनती रही, लेकिन वो चीखें भी मुझे भूल गईं। लेकिन वो आवाज मैं कभी ना भूलूंगी जो मेरे जाबलब शोहर के खुश्क होंठों से निकली थी। वो तीन दिन से प्यासा था और उसने पानी मांगा था। हाँ, इस पहाड़ के दामन में एक छोटे से झोंपड़े के सामने पत्थरों से चश्मा फूटता रहेगा, लेकिन इस चश्मे से कोई प्यास नहीं बुझाएगा, ना मेरा शोहर, ना मैं और ना हमारी भेड़ें। चरवाही ने एक हिचकी ली और औंधे मुंह गिरी। अबाका ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में थाम लिया। वो अटकी हुई आवाज में बोली, चला जा अजनबी, शायद तू मंगोल है, लेकिन इस ध्यान में मत रह। चंगेज खान के बेटे जब किसी को कैद करते हैं तो वो मंगोल या गैर मंगोल नहीं होता, सिर्फ कैदी होता है, बदकिस्मत कैदी। अबाका ने पूछा, तू मुसलमान है? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब देने के इख्तियार से महरूम हो चुकी थी। उसकी सांस गले में उलझी, आंखों में आई और मुंह से खून का एक फवारा फूट निकला। एक खूनी कह के साथ वो अबाका के हाथों में दम तोड़ गई। अबाका ने एहतियात से उसे जमीन पर लिटाया। चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर जैसे चौंक कर अपने पाँव की रस्सियां काटने लगा। इतने में खैमे के बाहर से एक पहरेदार की बारोब आवाज आई, ए लड़की, क्या कर रही हो? अंदर याराना तो नहीं लगा बैठी? अबाका ने फूंक मारकर शमा बुझाई और बिल्ली की चाल चलता पर्दे के करीब पहुंच गया। छुरी उसके हाथ में थी। फिर अचानक वो गले की पूरी कुव्वत से चिल्लाया। यूं लगता था जैसे कोई उसे जमीन पर लिटाकर ज़बा कर रहा हो। पहरेदारों को बौखला देने के लिए यह आवाज काफी थी। वो तेजी से खैमे में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था। वो आंखें फाड़ कर देखने लगे। पहले तीन आदमी अंदर आए, फिर दो और आ गए। उस वक्त अबाका जो खैमे के समोर से चिपका हुआ था तेजी से बाहर निकल गया। बौखलाहट में पांच पहरेदार अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन एक जो जरा समझदार था तलवार सोते बाहर खड़ा था। अबाका के हेवला देखकर वो ठटका, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पहचान कर शोर मचाता, अबाका किसी चीते की तरह लपका और उसे दबोचकर ढलवान में लुढ़क गया। ये सब कुछ पलक झपकते में हो गया। 10-12 फुट नीचे जाकर अबाका ने पहरेदार को किसी भेड़ की तरह दबोच लिया। पहरेदार की आंखों में खौफ के साए लहराए। वो पूरे जोर से चीखा,
लेकिन यह चीख उसके हलक से बाहर नहीं निकली। उसके होंठों पर अबाका का मजबूत हाथ था। नोकदार छुरी पहरेदार के सीने से टकराई और ओनी सदरी को चीरती हुई दस्ते तक अंदर घुस गई। अबाका गुर्राया, शायद तू भी उन कुत्तों में से एक है जो उस लड़की का जिस्म भंबोड़ते रहे हैं। पहरेदार पर जान करने की कैफियतारी हो रही थी, लेकिन अबाका उसकी मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने पलक झपकने में पहरेदार की गर्दन तोड़ी और साय की तरह तारीकी में रेंग गया। अब वो तेजी से असल पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता ढलवान और पथरीला था, लेकिन अबाका को चलने में कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी। दूर ऊपर पहरेदारों का शोर और मुतहरिक मशालें दिखाई दे रही थी। अभी उनका ध्यान नशेब की तरफ नहीं गया था। शायद वो समझते थे कि कैदी इस दुश्वार रास्ते को फरार के लिए मुंतखब नहीं कर सकता। लगता था अभी हिंडास को पता नहीं चला, वरना वो अपने साथियों को सबसे पहले इसी तरफ देखने का हुक्म देता। ये रास्ता दुश्वार जरूर था, लेकिन सीधा पड़ाव की तरफ जाता था और हिंडास जानता था अबाका फरार होकर किस तरफ जाएगा। छोटे बड़े पत्थरों को फलांगता वो बढ़ता ही जा रहा था। हाथ में सिर्फ एक छड़ी थी और सीने में एक ही नाम गूंज रहा था, मारीना। आखिर वो पड़ाव के अंदर पहुंच गया। नौ दुमों वाला परचम उसकी रहनुमाई कर रहा था, दरख्तों और खैमों की आड़ लेता। वो चौगताई खां के खैमे की तरफ बढ़ रहा था। वो जानता था वक्त बहुत कम है। हेंडास और उसके सिपाही किसी भी वक्त घोड़े दौड़ाते यहाँ पहुंच सकते हैं। उनके पहुंचने से पहले उसे मारीना से मिलना था। खैमों के अंदर से धुआं निकल रहा था। रात के खाने के लिए शिकार का गोश्त भुना जा रहा था। इक्का दुक्का अफराद बाहर भी घूम रहे थे, लेकिन सब के सब समोरी लिबादों में लिपटे थे। अबाका ने भी चेहरा समोरी टोपी में छुपा रखा था। टोपी के नीचे को लटके हुए बड़े बड़े कानों ने उसका मुंह ढांप रखा था। वो जानता था उसे पहचाना ना जा सकेगा। थोड़ी दूर एक मंगोल खुश्क लकड़ी को कुल्हाड़े से फाड़ रहा था। उसके करीब एक लड़की खड़ी थी। अबाका फौरन पहचान गया, वो आमना थी, मारीना की खादमा। मंगोल अपने काम में मगन था। आमना ने एक नजर अबाका की तरफ देखा तो उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और हाथ से इशारा किया। आमना ने गौर से देखा, फिर जैसे वो उसे पहचान गई। एक खैमे से निकलने वाली रोशनी में अबाका का चेहरा उसे साफ नजर आ रहा था। उसने मोहतात नजरों से मंगोल की तरफ देखा, फिर तेज कदमों से अबाका की तरफ बढ़ आई। अबाका एक खैमे की ओट में हो गया था। वो चंद लम्हे मुतहय्यर नजरों से उसे देखती रही, फिर बोली, तू यहाँ? अबाका ने कहा, आमना, मेरा मारीना से मिलना बहुत जरूरी है, उसे फौरन इत्तला दो। आमना परेशानी से दाएं बाएं देख रही थी। अबाका जानता था आमना के रवैये में हमेशा उसके लिए एक लचक रही है। वो कदर नरम लहजे में बोला, आमना, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जरा जल्दी करो। आमना ने कहा, अबाका, तुम मुझे आजमाइश में डाल रहे हो, बहरहाल यहीं ठहरो, मैं कोशिश करती हूँ। मारीना अपने खैमे में दो सहेलियों के साथ बैठी थी। ये दोनों एक बड़े सरदार की बीवियां थी। दरमियान में गर्म अंगीठी रखी थी। कोयरों का अक्स मारीना के गुलाबी रुखसारों पर मुनाकिस हो रहा था। वो कोई बात कर रही थी, तब खैमे का पर्दा उठा और आमना अंदर दाखिल हुई। मारीना बोली, तू तो लकड़ियां लेने गई थी। आमना ने कहा, हाँ, वो काट रहा है। उसका जहन तेजी से मारीना को बाहर लाने का मंसूबा सोच रहा था। मारीना बोली, तू कुछ घबराई हुई है, वो आपको? आमना गड़बड़ा कर रह गई। दोनों औरतों में से एक, जो दरमियानी उम्र की घाक सी औरत थी, बोली, मारीना, मेरा ख्याल है चौगताई खान ने तुझे याद किया है। दूसरी ने गिरह लगाई, बूढ़ा खान इसे अब क्या याद करेगा, बस कोई बात करना होगी। पहली औरत बोली, अच्छा मारीना, हम चलती हैं। मारीना ने कहा, बैठो, मैं अभी आई। दूसरी औरत बोली, मैंने कहा था ना, वो किसी को अब क्या याद करेगा, बस अभी आ जाती है। मारीना के चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई। उसे यह तबसरा नागवार गुजर रहा था। बहरहाल वो कुछ कहे बगैर आमना के साथ बाहर आ गई। आमना बड़ी सरासीमा दिखाई देती थी। उसे अपने पीछे आने का इशारा करती दरख्तों की तरफ बढ़ी। मारीना को हैरानी हो रही थी, वो उसे कहाँ ले जा रही है। इसी उधेड़ बुन में वो दरख्तों में पहुंची। अबाका ओट से निकलकर सामने आ गया। मारीना के चेहरे पर खुशगवार हैरत नजर आई। अबाका, तुम? वो लर्जा आवाज में बोली, लेकिन फिर फौरन ही उसका बेलचक लहजा लौट आया, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? अबाका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आमना की तरफ देखा, वो जल्दी से वापस मुड़ गई। अबाका दो कदम चलकर मारीना के करीब पहुंचा और से उसका चेहरा देखा। आज वो अपने अंदर एक अजीब एतमाद महसूस कर रहा था। उसके दिल में कोई खलिश नहीं थी। वो बेबाकी से मारीना की आंखों में झांक रहा था। आज वो उससे मरूब भी नहीं था। मारीना, उसने नर्म लेकिन ठोस लहजे में कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मारीना गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हट गई।
अबाका तू होश में तो है, उसने कहा। अबाका बोला, हाँ होश में हूँ, मेरे साथ चलो मारीना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मारीना झल्लाकर बोली, मैं वापस जा रही हूँ। वो वापस जाने के लिए मुड़ी। उस वक्त अबाका का हाथ मुतहरिक हुआ और उसने इत्मीनान से मारीना का कंधा थाम लिया। ठीक है मारीना, वापस जाओ, लेकिन कल इसी वक्त मैं फिर आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। इस कैदखाने से दूर उस सरजमीन पर जहाँ की तू रहने वाली है, जहाँ तेरा बचपन गुजरा है, जहाँ से तुझे उठाया गया था। मारीना के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने गौर से अबाका की तरफ देखा। उसके होंठ कपकपाए, लेकिन वह कुछ बोली नहीं, और जब बोली तो उसका सख्त लहजा उसके चेहरे का साथ नहीं दे रहा था। अबाका छोड़ दे मुझे, तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती, अबाका ने कहा। ठीक है मारीना, लेकिन याद रहे कल इसी वक्त मैं तुझे लेने आऊंगा। उसने मारीना का बाजू छोड़ा और वो बगैर कुछ कहे तेजी से खैमों की तरफ चली गई। उस वक्त अबाका ने घोड़ों की टापें सुनी। वो उनके सिमत का अंदाजा करने लगा। ये जानकर वो परेशान हो गया कि आवाजें दाएं बाएं दोनों जानिब से आ रही हैं। महसूस होता था कि हेंडास न सिर्फ पड़ाव में पहुंच गया है बल्कि मारीना के खैमे को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। जिस रास्ते से अबाका आया था वो मसदूद हो चुका था। वो दरख्तों की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो चंद कदम ही गया था कि उस जानिब भी शोर सुनाई देने लगा। दरअसल उस जानिब बर्फ थी और टापों की आवाज सुनाई नहीं दी थी। उसने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। घुड़सवार दिखाई नहीं दी, लेकिन उनके शोर से बखूबी अंदाजा होता था कि वो चारों तरफ फैलकर आगे बढ़ रहे हैं। अबाका ने वापस खैमों की तरफ लपकना चाहा, लेकिन उस वक्त उसका पांव घुटने तक बर्फ में धंस गया। उसने पांव निकालने के लिए दूसरे पांव पर जोर डाला और वो भी नीचे गड्ढे में चला गया। अब वो नाव तक बर्फ में धंसा हुआ था और घुड़सवार चारों तरफ से उसके करीब पहुंच रहे थे। मारीना का खैमा यहाँ से सिर्फ 25 कदम के फासले पर था। जोगताई खान अपने खैमे में नींद दराज था। मंगोल उम्र के आखिरी हिस्से में उमूमन गंठिए के मर्ज का शिकार हो जाते थे। जोगताई खान को भी जोड़ों का दर्द शुरू हो चुका था। वो अक्सर हसीन खादमाओं से अपने जोड़ों की मालिश करवाता रहता था। उस वक्त भी दो कम उम्र लड़कियां उसके जिस्म पर मुख्तलिफ तेलों और इत्रियात की मालिश में मसरूफ थी। दबेज ईरानी कालीन पर अंगीठी के बिल्कुल करीब बैठा वो सोच रहा था कि उसने इस मौसम में शिकार पर आकर खुद अपने मर्ज को दावत दी है। इतने में खैमे से बाहर घोड़ों की टापे गूंजी, फिर भागो पकड़ो की आवाजें सुनाई दी। थोड़ी देर यह हंगामा बरपा रहा। जोगताई खान ने दो मुहाफिजों को पता करने भेजा। चंद लम्हे बाद मुहाफिज हेंडास के साथ खैमे में दाखिल हुए। हेंडास बुरी तरह हांप रहा था, उसके हाथ में तलवार थी। जोगताई के सामने पहुंचकर उसने अदब से सर झुकाया और बोला, मोहतरम खान, सेवराकती का मुहाफिज खास अबाका एक पहरेदार को कत्ल करके फरार हो गया। जोगताई खान सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहे हो हेंडास? वो तो सरदार यूरक के साथ ईरान की मुहिम पर है, हेंडास बोला। नहीं खान मुअज्जम, वो बदबातिन मंगोल की आबरू से खेलने वापस आ गया है। जोगताई खान के चेहरे पर जलजले के आसार नजर आए। उसने हाथ के इशारे से तख्लिये का हुक्म दिया। हेंडास के सिवा खैमा खाली हो गया। हेंडास बोला, मोहतरम खान, मेरे आदमियों ने आज दोपहर उसे एक जुनूबी चौकी से गिरफ्तार किया था, लेकिन आप तक पहुंचने से पहले ही उसने मेरे एक सिपाही को कत्ल कर डाला और भाग निकला। जहां तक मेरा ख्याल है वो मोहतरमा मारीना के खैमे की तरफ आया है। जोगताई खान गजब के आलम में खड़ा हो गया। गरज कर बोला, हेंडास, अब उसे बचकर नहीं जाना चाहिए। पूरे पड़ाव को घेर लो और एक एक यूरत में तलाश करो, चप्पा चप्पा छान मारो। हेंडास सर झुकाकर तेजी से बाहर निकल गया। जोगताई खान बेकरारी से खैमे में टहलने लगा। वो जानता था अबाका एक बेमिसाल जंगजू है। बेमिसाल बाजुओं की मंगोल सल्तनत को जरूरत थी। यही वजह थी कि जानते बूझते जोगताई ने अबाका से नर्म रवैया अख्तियार किया था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि अबाका उसकी बीवी मारीना पर निगाह रखता है। वो ये भी जानता था कि अबाका ने सरदार बुगाली और अरगोना को कत्ल किया है, लेकिन वो अपने और मंगोलों के फायदे के लिए इन जरायम से चशमपोशी कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था ये सौदा महंगे से महंगा होता चला जाएगा। अबाका की सरकूबी अब जरूरी हो गई थी। उसने फैसला कर लिया कि जो ही अबाका गिरफ्तार हो उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो बेकरारी से हेंडास की वापसी का इंतजार करने लगा। घोड़े दौड़ते रहे, सिपाहियों की आवाजें गूंजती रहीं और जोगताई टहलता रहा। काफी देर बाद हेंडास की सूरत दरवाजे पर नजर आई। उसका चेहरा ये बताने के लिए काफी था कि अबाका का पता नहीं चला। उसने अदब से कहा, मोहतरम खान, लगता है आस्तीन का वो सांप तारीकी में कहीं रेंग गया है। वो पड़ाव में मौजूद नहीं। मैंने अपने सिपाहियों को चारों तरफ फैला दिया है। वो रात भर उसकी तलाश जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है सुबह तक उसका सुराग मिल जाएगा।
जोगदाई खान पुरसोच लहजे में बोला, मुझे खदशा है वो बदबख्त दोबारा यहाँ आने की कोशिश करेगा। मैं चाहता हूँ कि रात भर पड़ाव के गिर्द सख्त पहरा रखा जाए। हेंडास ने अपने भयानक चेहरे को कुछ और भयानक बनाते हुए कहा, मोहतरम खान आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मारीना अपने खैमे में मौजूद थी। उसका दिल खुश्क पत्ते की तरह लरज रहा था। शाम के साए आहिस्ता आहिस्ता तवील हो रहे थे। अबाका के अल्फाज रह रह कर उसके कानों में गूंजते थे। मैं कल इसी वक्त फिर आऊंगा, वो देख रही थी। पड़ाव से बाहर हेंडास अपने दस्ते के सिपाहियों के साथ खड़ा था। 8 पहर के बाद तलाश की सरगर्मियां मंद पड़ चुकी थी, लेकिन निगरानी बदस्तूर जारी थी। इर्द गिर्द के इलाके में सिपाहियों की टोलियां गर्दिश कर रही थी। अगर अबाका दोबारा पड़ाव का रुख करता तो उसका पकड़े जाना यकीनी था, और मारीना जानती थी वो बाज नहीं रहेगा, वही करेगा जो उसने कहा है। तो क्या आज वो उसकी लाश तड़पती देखेगी? वो बेख्याली में चलते खैमे के पहलू में पहुंची और जालदार रोजन से आंखें लगाकर बाहर देखने लगी। उसके खैमे से आगे चंद खैमे थे, फिर बर्फ की सफेद चादर थी, और कोई 100 कदम आगे दरख्तों का सिलसिला शुरू हो जाता था। उसका ख्याल था अबाका कल इन्हीं दरख्तों के अंदर घुसकर फरार हुआ होगा। काफी देर वह गुमसुम खड़ी उन दरख्तों की तरफ देखती रही, फिर उसकी निगाहें बर्फ की सफेद चादर पर फिसलने लगी। मंगोल सिपाही यहाँ का चप्पा चप्पा देख चुके थे। उनके घोड़ों की टापें हर हर गोशे पर सब थीं। मारीना खड़ी रही, मलगजे अंधेरे पर रात की स्याही गालिब आने लगी। खैमों के दर बंद हो गए। मारीना का दिल और शिद्दत से धड़कने लगा। जंगली का वादा करीब पहुंच रहा था। उसकी निगाहें बर्फ के हमवार किते पर मरकूज थी। दफतन उसे लगा कि एक जगह से बर्फ हरकत कर रही है। उसकी निगाह धोखा नहीं खा रही थी, बर्फ वाकई मुतहरिक थी। वो अबाका था, बर्फ खाने वाला, बर्फ पर सोने वाला और यखबस्ता हवाएं ओढ़ने वाला। वो 8 पहर से बर्फ में था। कल रात उसने घुड़सवारों को करीब पहुंचते देखा और खुद को बर्फ में दफन कर लिया। वो सर तपैर बर्फ में चला गया था। उसने अपने गिर्द घोड़ों की टापें महसूस की थी, मुसल्लह पहरेदारों की आवाजें सुनी थी, उनके ललकारे उसके कानों तक पहुंचे थे, और वो बेहिसो हरकत अपनी यखबस्ता कब्र में लेटा रहा था। सांस की आमदरफ्त के लिए उसने सिर्फ एक छोटा सा सुराख रहने दिया था। रात आखिरी पहर जब तलाश का काम कदरे सर्द पड़ा था, उसने अपने चेहरे और बालाई जिस्म से बर्फ हटा दी थी। सुबह के उजाले के साथ उसने एक बार फिर खुद को ढांप लिया था। इन 8 पहरों में उसके जिस्म ने क्या क्या अजाब नहीं सहे, उसकी रगे जहाँ पर क्या क्या आफत नहीं टूटी, लेकिन उसने सब कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ मारीना के लिए, जो उससे चंद गज के फासले पर अपने गर्म खैमे में मौजूद थी। और अब वक्त आ गया था, बर्फ हटाने का वक्त, उठने और कुछ कर गुजरने का वक्त। और फिर उसने जिस्म को हरकत दी और अपनी पनाहगाह से निकल आया। तारीकी लम्हा बलम्हा फैलती जा रही थी। उसने अपनी मुठियां भींच ली, गर्दन को जंबिश दी, पाँव को हिलाया, रगपट्ठों को माइले बहरकत किया और गहरी नजर से अतराफ का जायजा लेकर मारीना के खैमे की तरफ बढ़ने लगा। किसी बर्फानी जानवर की तरह बे आवाज रेंगता हुआ वो खैमे के अकब में पहुंचा। गर्म सदरी के अंदर हाथ डालकर छुरी निकाली और खैमे का कपड़ा काट डाला। उसके अंदाज में अजीब सा ठहराव था, जैसे तमाम अंदेशों को बालाए ताक रख चुका हो। फिर उसने कटा हुआ कपड़ा हटाया और अंदर दाखिल हो गया। मारीना खैमे के वस्त में खड़ी थी। उसकी खौफजदा निगाहें अबाका पर मरकूज थी। वो छुरी हाथ में लिए उसकी तरफ देख रहा था। चेहरा सख्त सर्दी से नीलगू था, सर के बालों और भमों पर बर्फ जमी थी। मैं आ गया मारीना, उसकी आवाज में ठोस बर्फ की सख्ती थी। मारीना हकलाई, तो तुम कहाँ थे अबाका? यहीं तुम्हारे करीब, यूरक के सामने। अबाका तू क्या शय है, मुझे कुछ समझ नहीं आती। चलो मारीना यहाँ से दूर निकल चले, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे बताना। मारीना के चेहरे पर फिर गुरेज की कैफियत उद कर आई। नहीं अबाका, मैं इन रास्तों की सख्ती नहीं झेल सकती, खुदा के लिए मुझे फरामोश कर दे। नहीं मारीना, अबाका की बेबाक आवाज गूंजी, आज मैं तुझे इस जरदार खैमे से ले जाऊंगा। ये खैमा नहीं तेरा पिंजरा है, आज ये पिंजरा खुल जाएगा। खान के सारे मुहाफिज, उसकी सारी तलवारें, उसकी सारी फौज मिलकर भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। तू मारा जाएगा अबाका, आज मौत भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। अबाका, मारीना। अबाका 2 कदम आगे बढ़ा, मारीना खौफजदा अंदाज में पीछे हटने लगी। मेरे साथ चलो मारीना। नहीं अबाका। मारीना तू समझती क्यों नहीं, तू मुसलमान है, तेरी जगह मंगोलों में नहीं मुसलमानों में है, तू यहाँ गैर है। अबाका मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अबाका अजीब से अंदाज में घुराया, उसका दायां हाथ घूमा,
और पूरे जोर से मारीना के रुखसार पर पड़ा। ज़र्ब इतनी अचानक और शदीद थी कि मारीना चकरा कर गिरी और बेसुध हो गई। अबाकर ने ठठक कर उसे देखा, फिर तेजी से नीचे झुका और उसका बेहोश जिस्म फूल की तरह कंधे पर उठा लिया। तब उसकी निगाह दीवार पर लटकी तलवार पर पड़ी। उसने तलवार नयाम से निकाली और खैमे के अगली सुराख से बाहर निकल आया। मोहतात निगाहों से उसने इर्द गिर्द देखा। हेंडास, जो थोड़ी देर पहले चंद सिपाहियों के साथ पड़ाव के किनारे खड़ा था, अब दिखाई नहीं दे रहा था। अबाका खैमों की ओट लेता बर्फ के हमवार किते तक आया। पड़ाव के आखिरी खैमे से बाहर दो घोड़े बंधे थे। अबाका ने एक घोड़े की रस्सी काट उसे खींचता हुआ थोड़ी दूर लाया, फिर एक दरख्त के नीचे रुक गया। पहले उसने मारीना का बेहोश जिस्म घोड़े पर लादा, फिर खुद भी सवार हो गया। ना घोड़े की पीठ पर काठी थी और ना मुंह में लगाम। अबाका ने उसके अयाल थामे और एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से ढलवान पर चढ़ने लगा। अबाका का एक हाथ मारीना की कमर के गिर्द था, उसका सर अबाका के बाजू से लगा था। वो मारीना के बहुत करीब था, लेकिन ये वक्त इस कुर्बत से लुत्फानंदोज होने का नहीं था। वो जानता था कि वो मौत की वादी में है। इस वादी से बाहर निकलने तक वो खुद को जिंदों में शुमार नहीं कर सकता था। कुछ आगे जाकर अबाका को दो घुड़सवार नजर आए। उसने खुद को फुर्ती से एक चट्टान की ओट में छुपा लिया। घुड़सवार आगे निकल गए तो फिर बुलंदी पर चढ़ने लगा। कुछ आगे जाकर उसे अंदाजा हुआ कि घोड़ा उन दोनों का बोझ सहार कर ऊपर नहीं चढ़ सकता। वो घोड़े से उतर आया, मारीना को दोबारा कंधे पर लादा और पैदल आगे बढ़ने लगा। दफ्तरों से अंदाजा हुआ कि मारीना होश में आ रही है। वो कसमसा रही थी। फिर उसने एक सिस्कारी ली और अबाका के कंधे से उतरने के लिए जोर लगाने लगी। एन उस वक्त अबाका को घुड़सवारों का एक दस्ता दिखाई दिया। यही वो लम्हा था जब मारीना जोर से चीखी, छोड़ दे अबाका, मुझे छोड़ दे। उसकी आवाज सन्नाटे में दूर तक तैरती चली गई। अबाका ने साफ देखा कि नशेब में घुड़सवारों ने घोड़े रोक लिए। फिर उनमें से किसी की निगाह मारीना के सफेद बराक लिबास पर पड़ी और वो चिल्लाया। उसके साथ ही घोड़े अबाका की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन चढ़ाई दुश्वार थी। घुड़सवारों को घोड़ों से नीचे उतरना पड़ा। फिर ऊंचे नीचे टीलों में एक जबरदस्त दौड़ शुरू हो गई। अबाका मारीना को कंधे पर उठाए किसी छलावे की तरह पत्थर और खाइयां फलांगता जा रहा था। मुताकिब सिपाही पूरी रफ्तार से उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मारीना खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद में मसरूफ थी, लेकिन अब अबाका की गिरफ्त खौफनाक हद तक सख्त थी। उसके जिस्म में जैसे बिजलियां दौड़ रही थी। वो रास्ते में आने वाले गढ़ों और खाइयों को लंबी छलांगों से पार कर रहा था। मुताकिब सिपाही भी किसी न किसी तरह इन रुकावटों को उबूर कर रहे थे, लेकिन सबूक दोष होने के बावजूद वो अबाका से फुर्ती का मुजाहिरा नहीं कर पा रहे थे। अबाका ने जानबूझकर दुश्वार तरीन रास्ता मुंतखब किया था। इस जानिब कोई गश्ती टोली दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर एक जगह रास्ता मसदूद हो गया। अबाका एक गहरी खड़ के किनारे खड़ा था। मुताकिब सिपाही पलक झपकते में उसके सर पर पहुंच गए। वो तादाद में करीबन 8 थे, लेकिन उनमें एक ऐसा था जो अकेला 8 पर भारी था, और वो था हेंडास। वो एक बेडोल चट्टान की तरह अबाका के सामने खड़ा था। चांद की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा किसी डरावने ख्वाब का मंजर दिखाई देता था। वो हांफता हुआ बोला, तुझे कहा था ना अबाका, तुझे तेरी मौत यहाँ लाई है। अब इस मोहतरम खातून को कंधे से उतार दे और मरने के लिए तैयार हो जा। अबाका ने हुक्म की तामील की। उसने मारीना को आराम से पांव पर खड़ा कर दिया। मारीना तजब्जुब के आलम में अबाका से दूर हुई और हेंडास के अकब में चली गई। मारीना की इस हरकत ने जलती पर तेल का काम किया। अबाका गजबनाक अंदाज में धाड़ा और तलवार सौंत कर हेंडास पर टूट पड़ा। हेंडास शायद उसका इरादा भांप गया था, वो फुर्ती से एक जानब हटा। अबाका अपनी झोंक में आगे निकल गया। उस वक्त सातों मुसल्ला मुहाफिज उस पर टूट पड़े। ये उस सख्त तरीन तरबियत का इम्तिहान था जो अबाका ने कोहल ताई के वीरानों में हासिल की थी। उसके बाप ने कहा था, बेटा दुश्मनों में घिर जाओ तो कभी दिफा ना करो, हमला करो और मारने के लिए नहीं मरने के लिए लड़ो, वार बचाने के लिए नहीं जख्म खाने के लिए लड़ो। और अबाका की तलवार सायका की तरह चमक रही थी। अपने पहले ही शदीद हमले में उसने दो मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था। बाकी मंगोल जबरदस्त दबाव में आ गए थे। उनके लिए ये एहसास जानलेवा था कि उर्दू मुअल्ला का खतरनाक तरीन जंग जो उनके सामने है। अबाका ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से उन्हें एक कोने में महसूर कर दिया। वो जानता था उसकी कामयाबी इसमें है कि अपने मध्य मुकाबल तलवार जनों को बिखरने ना दे, और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब था। दो सिपाहियों ने यके बाद दीगरे इस हिसार से निकलने की कोशिश की और कट गए। बाकी तीन सिपाहियों ने मौत सर पर देखी तो गजब के आलम में अबाका पर हमला किया। लेकिन अबाका अपनी मखसूस सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहा था, और क्यों ना करता, मारीना उसे देख रही थी। ये एहसास उसके रगों पे में शोले भड़का रहा था। फिर मारीना और हेंडास ने देखा कि तीनों मंगोल यके बाद दीगरे गाजर मूली की तरह कट गए। आखिरी दो सिपाहियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन अबाका की तलवार ने उन्हें मोहलत नहीं दी।
करीहुल मंजर हेंडास जो जिसामत में पहाड़ की तरह था और जिसके एक पांव में चार उंगलियां थी, बेचैनी से पहलू बदल रहा था। आखिर वो घुर्राता हुआ आगे बढ़ा। चांद तारों की रोशनी में दोनों हरीफ एक दूसरे के सामने आए। मारीना दोनों हाथ मुंह पर रखे खौफजदा नजरों से यह मंजर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किसकी कामयाबी की तमन्ना करे। एक तरफ हेंडास था जो उसके खावंद का नमक खुआर और वफादार था, दूसरी तरफ ये जंगली था जो उसे जबरदस्ती ले जा रहा था। लेकिन वो उसकी मौत भी नहीं चाहती थी। उसने बेकरार होकर आंखें बंद कर ली। हेंडास गुर्राया, तलवार फेंक दे अबाका, तेरा मेरा मुकाबला जोर आजमाई का था और ये वहीं से शुरू होगा। अबाका जानता था हेंडास कुश्ती में उस पर भारी रहेगा, फिर भी उसने दुश्मन की ख्वाहिश पूरी की। उसने तलवार संगलाख जमीन पर फेंकी। तलवार की झनकार मुकाबला शुरू होने की घंटी थी। बदशक्ल हेंडास मौत से खोलते आतिशफिशां की तरह फट पड़ा। उसका जोरदार घूंसा अबाका के मुंह पर लगा। अबाका चंद कदम लड़खड़ा। पहलवान ने उछलकर दोनों टांगे अबाका के मुंह पर मारी। वो लड़खड़ाता हुआ मारीना के पास जा गिरा। मारीना एक चीख मारकर पीछे हट गई। अबाका पर वहशत का शदीद हमला हुआ। वो जख्मी चीते की तरह गुर्राया और पलटकर उस मस्त हाथी से लिपट गया। पहाड़ों की गोद में दो दरिंदे एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। वो एक संगीन लेकिन सबर आजमा जंग थी। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। हेंडास ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह फिर अबाका उसके पुराने दांव में फंस जाए, लेकिन अबाका पूरी तरह होशियार था। दोनों के जिस्म जगह जगह से खून उगल रहे थे। पसीने की धारें उस खून को बार बार धो रही थी। एक बार हेंडास ने अबाका के लंबे बाल दबोचने की कोशिश की तो अबाका ने फुर्ती से झुककर जोरदार टक्कर उसके पेट में मारी। जवाब में हेंडास ने अपना घुटना उसके मुंह पर रसीद किया। जर्ब जोरदार थी। अबाका डगमगाया और ठोकर लगने से पुश्त के बल गिर गया। ये एक कीमती लम्हा था। दफतन हेंडास की आंखों में अय्याराना चमक उभरी। उसने लपक कर एक बड़ा पत्थर उठा लिया। वो इस अंदाज से खड़ा था कि बा आसानी अबाका को निशाना बना सकता था। और फिर उसने निहायत ताकत से वो वजनी पत्थर अबाका के सर पर दे मारा। अबाका को हरकत करने में एक साथ की देर होती तो उसका सर अनगिनत टुकड़ों में तकसीम हो जाता। वो फुर्ती से एक तरफ लुढ़का, पत्थर जमीन से टकराया। हेंडास ने बार खाली जाते देखा तो अबाका को छापने के लिए हवा में छलांग लगाई। अभी वो निस्फ रास्ते में था कि उसे अपनी मौत नजर आ गई। अबाका के हाथ में तलवार थी और उसका रुख हेंडास के पेट की तरफ था। हेंडास ने अपने जिस्म को हवा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कमान से निकले हुए तीर को कोई कब मोड़ सका है। हेंडास के पेट और तलवार का मिलाप हुआ, एक आग से उसके पेट में घुसी और कमर की तरफ से निकल गई। अबाका ने हेंडास को टांग से धकेलकर तलवार उसके पेट से निकाली। दूसरा भरपूर वार उसने उसके सीने पर किया। हेंडास फटी हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। अबाका बोला, हेंडास तूने खुद कानून बनाया और खुद ही तोड़ा। ये कुश्ती का मुकाबला था तो तूने कुश्ती क्यों ना की? हेंडास के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। चंद लम्हे पहले वो अपने हाथों से अबाका के सर पर पत्थर फेंक चुका था। उसके होंठ लरजे और उसकी आंखें बंद हो गए। अबाका ने मुड़कर देखा लेकिन मारीना का कोई पता नहीं था। मारीना, उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजी। मारीना, मारीना, जैसे कई आवाजों ने उसके साथ मिलकर मारीना को तलाश किया। अचानक आहट हुई। अबाका ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हेंडास खून में डूबा हुआ उसके सामने खड़ा था। वो अभी तक जिंदा था। उसके हाथ में अबाका ही की तलवार थी। एक गजबनाक चिंघार से उसने अबाका पर वार किया, लेकिन इस वार में इतनी ताकत नहीं थी कि अबाका जैसे सबुक बदन की जान ले सकता। अबाका ने एक कदम पीछे हटकर यह वार बचाया। हेंडास तनावर दरख्त की तरह जमीन पर गिरा और साकित हो गया। अबाका ने झुककर एहतियात से उसकी नब्जें टटोली। वो मर चुका था, लेकिन क्या वो वाकई मर चुका था? इस सवाल के यकीनी जवाब के लिए अबाका ने खून आलू तलवार उठाई और हेंडास का सर उसके ग्रांडियल जिस्म से जुदा कर दिया। उस वक्त अबाका की निगाह दूर नीचे एक सफेद धब्बे पर पड़ी। ये मारीना के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। अबाका समझ गया कि वो नशेब में घोड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसने तलवार उठाई और तेजी से नीचे उतरने लगा। जबरदस्त जद्दोजहद के बाद वो मारीना तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उस वक्त वो एक घोड़े की रिकाब में पांव रख रही थी। अबाका ने उसे बाजू से थामा तो वो बिल्कुल साकित हो गई। अबाका ने देखा, पत्थरों पर रगड़ने से उसका सफेद लिबास कई जगह से फटा हुआ था। वो बड़ी तेजी से यहाँ तक पहुंची थी। अगर उसे चंद लम्हे की देर होती तो वो वापिस पड़ाव में पहुंच चुकी होती। अबाका सख्ती से बोला, चलो मारीना, अब कोई हमारा रास्ता रोकने वाला नहीं। मारीना लरजा आवाज में बोली, ये मत कहो, ये कह के कि अब कोई तेरा रास्ता रोकने वाला नहीं। किसी गलत फहमी में ना रह।
मैं तेरे नापाक इरादों के सामने सर ना झुकाऊंगी। मारीना, अबा का गजब से धाड़ा, चल मेरे साथ। मारीना तनकर खड़ी रही, उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो औरत की अजमत और हिम्मत की मुंह बोलती तस्वीर दिखाई देती थी। वो जख्मी शेरनी की तरह गुर्राई, देखता क्या है अबा का, एक जोर का थप्पड़ मेरे मुंह पर मार। मैं यकीन दिलाती हूँ कि एक नातवा औरत तुझ जैसे जरी का हाथ खाकर होश में ना रह सकेगी। बेहोश हो जाऊं तो उठा कर ले जा, बस तू यही कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मारीना, अबाका का हाथ गजब के आलम में उठा, लेकिन उसके दिल ने उसके हाथ का साथ देने से इनकार कर दिया। वो चंद लम्हे हैरत से हुस्न वकार के उस पैकर को देखता रहा, फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे ढला गया। मारीना तुंद लहजे में बोली, मेरे लिए तुझमें और चंगेज जादों में कोई फर्क नहीं, वो भी बेकस औरतों को उठाकर अपनी यूरतों में लाते हैं, तू भी एक मफतूह औरत को घोड़े पर बिठाना चाहता है। अगर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं तो फिर मैं तेरे साथ क्यों जाऊं, उस शोहर के साथ वफादार क्यों ना रहूं जो मेरे यूरत का मालिक है, जिसके साथ मैंने उम्र का एक हिस्सा गुजारा है। उस सरजमीन को क्यों छोड़ूं जिससे मेरी यादें वाबस्ता हैं, उन लोगों को क्यों धोखा दूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। नहीं अबाका, मैं अपनी रजा से तेरा साथ नहीं दे सकती। हाँ, मैं तेरे कब्जे में हूँ, तू मुझसे जो चाहे सुलो कर। एकाएक ही अबाका के जहन में एक चश्मा फूटा और उसके अव्वलीन कतरे आंखों के रास्ते उसके रुखसारों पर लुढ़क आए। उसके चेहरे का तनाव एक अश्कबार नमी में ढल गया। उसने तलवार नयाम में वापस डाली, लर्जा हाथों से गिरेबान में बंधा हुआ फूलदार कपड़ा खोला और मुट्ठी में भींच लिया। फिर उसकी भराई हुई आवाज उभरी, मैं गलती पर था मारीना, मैं समझा था अपने इरादे से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। ये देख, ये कपड़ा कोकंद के एक मुसलमान बुजुर्ग ने मुझे दिया था। कोकंद की एक इबादत गाह में बैठकर उसने मुझसे दरख्वास्त की थी कि अगर मैं तुझे मंगोलों से आजाद कराने में कामयाब हो गया तो इससे तेरा सर ढांप दूं। मैंने घमंड में वादा कर लिया था, मैं भूल गया था तेरे सर पर आने को जरनिगार चादरें तरसती हैं। इस बेवकत कपड़े को कब जगह मिलेगी। मारीना खामोशी से मुंह फेरे खड़ी थी। बहुत देर दोनों ने कुछ ना कहा। आखिर अबाका ने दूर नीचे पड़ाव पर निगाह डाली और बोला, चली जा मारीना, तेरा खैमा तेरा मुंतजर है। अभी वहां किसी को पता नहीं चला होगा, जिस रास्ते से मैं तुझे लाया था वो रास्ता तुझे बाहिफाजत खैमे तक पहुंचा देगा। हेंडास मर चुका है, लेकिन उसकी गुमशुदगी चोगताई खान को ज्यादा परेशान नहीं करेगी। हो सकता है वो समझे कि वो मेरी तलाश में कहीं निकल गया है। इन लोगों की लाश में एहतियात से कहीं छुपा दूंगा। मारीना ने एक नजर जख्मों से चूर अबाका की तरफ देखा, फिर तेज कदमों से घोड़े की तरफ बढ़ गई। अबाका साकित खड़ा देखता रहा। मारीना ने लगाम थामी और सर झुकाकर एड़ लगा दी। घोड़ा सुस्त कदमों से आगे बढ़ने लगा। लगता था इस बेजबान को भी जुदाई नागवार गुजर रही थी। अभी घोड़ा चंद गज ही गया था कि अबाका ने आवाज दी। मारीना रुक गई। अबाका उसके पास पहुंचकर बोला, मारीना, मैं जंगली शायद तुझे अपने दिल की बातें सही तरह समझा नहीं सका। मेरी बातों पर ना जाना, अपने जहन से कुछ सोचना। हो सकता है तुम अपना इरादा बदल दो। मैं कल शाम तक इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आई तो चला जाऊंगा, मेरा वादा है। तुम फिर कभी मेरी शक्ल ना देखोगी। मारीना ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर ढलक आने वाले रेशमी बालों को लरसती उंगलियों से पीछे हटाया और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। अबाका ने लाशें ठिकाने लगा दी थी। 8 घोड़ों में से 7 तितर बितर कर दिए थे। एक घोड़े पर काठी डाल के वो तैयार बैठा था। उसकी निगाहें दूर मगरिब की तरफ झुके हुए सूरज पर थी, जैसे पानी में डूबने वाला हसरत से किनारे की तरफ देखता है। अबाका भी कभी कभी पड़ाव की जानिब देख लेता था। हदशात के तलातू में उम्मीद की छोटी छोटी कश्तियां डोल रही थी। जवाले आफ्ताब से वो किसी मौजे का मुंतजर था। सूरज डूबने के साथ साथ उसका दिल भी डूबा जा रहा था। उसने मारीना से कहा था वो शाम तक उसका इंतजार करेगा, लेकिन शाम तो कब से हो चुकी थी। फिर उसने दिल को बहुत समझाया, सूरज डूबने के बाद भी तो कुछ देर शाम ही रहती है। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी गायब होने लगी, तारीकी ने पर फैला ली। अबाका ने खुद को हौसला दिया, नहीं, अभी शाम बाकी है, अभी रात शुरू नहीं हुई। फिर मलगजा उजाला भी मादूम हो गया। एकाएक ही अबाका का दिल मायूसी की अतः तारीकी में डूब गया। वो जान गया कि मारीना नहीं आएगी। वो अब तक एक शराब के पीछे भागता रहा है। उसके सीने की गहराई से एक तवील आह निकली और वह किसी बूढ़े शख्स की तरह घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। उसका दिल रोने को चाहता था, लेकिन वो एक कमजोर शख्स की तरह रोना नहीं चाहता था। उसे मालूम था आंसू बहाने वाले को कोई चुप नहीं कराता। वो अपनी जिंदगी में जब भी रोया था खुद ही चुप हुआ था। उसे याद ही नहीं था माँ का मेहरबान बोसा क्या होता है।
बाप कैसे लाड देखता है, बहन भाइयों की गोद क्या होती है। वो हमेशा से तन्हा था। उसने आंखों पर यलगार करने वाले आंसुओं को हलक में गिराया और अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। तब उसे घोड़े की टाप सुनाई दी। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। फिर बेकरार होकर उसने सामने देखा। सामने वही रास्ता था जिसे वो दोपहर से यक तक देख रहा था, लेकिन अब ये रास्ता खाली नहीं था। उस पर एक घुड़सवार था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ये घुड़सवार मर्द नहीं था, औरत थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ये बाल मारीना के थे। ये तारीख खेला उसकी अजीज तरीन हस्ती का था। अबाका पलकें झपकाए बगैर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि यह मंजर ओझल हो जाएगा। घोड़ा अबाका से चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया। मारीना का बावकार हसीन चेहरा अबाका के सामने था। वह बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसकी शफाफ आंखों में चमकने वाले आंसू अबाका की फतह का ऐलान कर रहे थे। अबाका की निगाह घोड़े पर पड़ी। उस पर दो चर्मी थैले लटक रहे थे। वो सफर के लिए तैयार होकर आई थी। अबाका का दिल चाहा कि वो हवा में कलाबाजी लगाए और इतने जोर से चीखे कि पहाड़ झंझना उठे, चट्टानें लुढ़कें और उनके कहकहे जश्न मुसरत का समा पैदा कर दें। आंसू जिन्हें उसने रोकने की कसम खा रखी थी बेख्तियार आंखों में उमड़ आए। मारीना, वो लर्जा आवाज में बोला। मारीना दिलरुबा अंदाज में मुस्कुराई और बाआहिस्तगी घोड़े से उतर आई। दोनों जलती हुई खामोश निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। फिर मारीना ने रुख फेरा और बोली, अबाका मैं तेरे साथ दुनिया के आखिरी किनारे तक चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अबाका के लिए इससे बढ़कर कोई एहसास नहीं था कि मारीना उसकी हमरिकाब हो और उसका चेहरा उसकी निगाहों के सामने रहे। वो बेख्तियार बोला, मुझे ये शर्त बिला सुने मंजूर है मारीना। सोच लो अबाका, बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो। नहीं मारीना, जब तुम्हें मेरी जान की जरूरत होगी होंठों से ना कहना, आंखों से इशारा कर देना। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं गलत ना कहता था, मारीना ने कहा। हो सकता है मैं तुम्हारी जान ना मांगू, अबाका बोला। मैं तुम्हें हर इख्तियार देता हूँ मारीना। मारीना उसके जज्बाती अंदाज पर मुस्कुराई। अबाका उसकी दिलकश मुस्कुराहट में महव था जब दफतन जमीन लरजने लगी। अबाका ने गौर किया, सैकड़ों घुड़सवार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। चौगताई खान सैलाब बलाखेज को हरकत में ले आया था। मारीना और अबाका ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। मारीना की हौसला अफजा निगाहें अबाका के तन बदन में फौलाद की सख्ती पैदा कर रही थी। जोश से उसके गले की रगें उभर आई थी। उसने मारीना को घोड़े पर सवार किया, फिर छलांग लगाकर अपने घोड़े पर सवार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और भाग निकले। दोनों घोड़े पूरी रफ्तार से पहलू ब पहलू भाग रहे थे। चौगताई खान अपने तेज रफ्तार दस्तों के साथ उनका ताकुब जारी रखे हुए था। अबाका और मारीना का रुख जुनूब मगरिब की तरफ था। चांद की मध्यम रोशनी में उफक पर कुछ बुलंदो बाला तारीख साए दिखाई दे रहे थे। ये एक छोटा सा कोहिस्तानी सिलसिला था। अबाका की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह इन पहाड़ों में पहुंच जाए। उसकी निगाहें रास्ते के पेचोखम पर थी और हसास कान अकब से आने वाली आवाजों पर लगे थे। उसने यहाँ तक के सफर में मुताकिब फौज को ऐसे ऐसे चकमे दिए थे कि शह सवारों को सिमते भूल गई थी। बहरहाल फौज ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब बचाव की वाहिद सूरत यही थी कि वो घोड़ों के बेदम होने से पहले सामने वाली पहाड़ियों में पहुंच जाए और उन्हें कोई उम्दा पनाहगाह मुयसर आ जाए। बिलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। दुश्वार गुजार चढ़ाई पर पहुंच कर अबाका ने घोड़ा रोका, फिर नीचे उतरकर मारीना को भी उतार लिया। दोनों आगे पीछे भागते ऊपर चढ़ने लगे। तारीकी में कई जगह मारीना का पांव फिसला और अबाका ने उसे सहारा दिया। अगर वो अकेला होता तो कोई चढ़ाई उसके लिए दुश्वार नहीं थी, लेकिन मारीना के साथ वो पुरखत्र बुलंदी पर नहीं जा सकता था। उसकी निगाहें चारों सिमत गर्दिश कर रही थी, लेकिन कोई गार खोह या छुपने की जगह दिखाई नहीं देती थी। मारीना बुरी तरह हांप रही थी और अबाका जानता था अब वो मजीद बुलंदी पर नहीं जा सकती। आखिर उसने मुखालिफ सिमत में उतरने का फैसला किया। चंद अल्फाज में मारीना को हौसला देकर वो उसे नीचे उतरने के लिए तैयार करने लगा। ढलवान खतरनाक थी, लेकिन मारीना अबाका की हिदायत पर आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगी। एक जगह उसका पांव बुरी तरह अटका, लेकिन अबाका चूंकि आगे था इसलिए वो सैकड़ों फुट नीचे गिरने से महफूज रही। जबरदस्त जद्दोजहद के बाद वो पहाड़ की दूसरी तरफ दामन में पहुंच गए, लेकिन फिर अबाका ने अपने सामने देखा और उसके सीने से एक तवील सांस खारिज हो गई। भागने का रास्ता मजदूर था। एक चौड़े पाट की बर्फानी नदी उनका रास्ता रोके खड़ी थी। उसने देखा पानी की सतह पर बर्फ के मुंजमे टुकड़े सुस्त रवि से तैर रहे थे।
इस यकबस्ता पानी को पार करना कम अज कम मारीना के लिए मुमकिन नहीं था। मारीना भी परेशानी से उसे देखने लगी। दोनों चंद कदम आगे बढ़कर नदी के किनारे पहुंच गए। उन्हें मालूम नहीं था कि पानी की गहराई कितनी है। अबाकर चंद अभी नदी और मारीना की तरफ देखता रहा, फिर अचानक उसने झुककर मारीना को कंधे पर उठा लिया। वो एहतजाज ही करती रह गई और अबाका उसे लेकर पानी में दाखिल हो गया। उसके दूसरे कंधे पर वो दोनों चर्मी थैले थे जो उन्होंने घोड़ों से उतारे थे। नदी का पानी अबाका की टांगों से मुतहरिक होकर आवाज पैदा कर रहा था। मारीना अभी तक दबे दबे लहजे में उसे मोहतात रहने का मशवरा दे रही थी, लेकिन ये बात वो भी समझ रही थी कि नदी पार किए बगैर उनकी जिंदगी महफूज नहीं रह सकती। अब उनकी सलामती का इन्हिसार इस बात पर था कि नदी कितनी गहरी है। अबाका सोच रहा था कि अगर पानी उसके कंधे तक पहुंच गया तो वो वापस लौट जाएगा। पानी आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने तक पहुंच गया। मारीना की पिंडलियां और घुटने यकबस्ता पानी में डूबने लगे। अबाका जानता था मारीना का नाजुक जिस्म ज्यादा देर इस बर्फाब का लम्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही वजह थी कि वो सोच सोच कर आगे बढ़ रहा था। आखिर पानी अबाका के बाहुओं को छूने लगा। अब पाँव की एक लफ्जिश भी उन दोनों को यकबस्ता पानी के हवाले कर सकती थी। वो नदी के बिल्कुल दरमियान में थे। अबाका नहायत एहतियात से आगे बढ़ता रहा। बिलाखिर मुश्किल तरीन मरहला गुजर गया। पानी की सतह गिरने लगी, लेकिन अब अबाका का निचला धड़ मफलूज होने लगा था। उसे लग रहा था कि वो किसी दूसरे की टांगों पर चल रहा है। अगला किनारा अब भी 60-70 कदम के फासले पर था। दफतन अबाका ठठक गया, उसकी सांस रुकने लगी। अगले किनारे पर कुछ मुतहरिक रोशनियां नजर आई थी। वो वहीं रुककर उन रोशनियों को देखने लगा। ये रोशनियां किसी चट्टान या पहाड़ी की ओर से निकल रही थी और निकलती ही आ रही थी। जल्द ही अबाका समझ गया कि ये मंगोल फौज के मशल बरदार घुड़सवार है। अगर उसका अंदाजा गलत नहीं था तो उनकी तादाद सैकड़ों में थी। वो तेजी से किनारे की तरफ लपक रहे थे। मारीना का रुख दूसरी तरफ था और वो इस बलाए नागहानी से बेखबर थी। उसने पूछा, अबाका रुक क्यों गए? अबाका को समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या बताए। कातिल नदी के ऐन दरमियान उन्हें मौत के हरकारों ने घेर लिया था। पीछे भी मंगोल थे और आगे भी। वो मारीना को थामे उस पानी में खड़ा था, जिसमें कुछ देर खड़े रहने का मतलब मौत के सिवा कुछ नहीं था। उसने तेज निगाहों से इर्द गिर्द देखा और फिर उसकी आंखों में उम्मीद की मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। कोई 25-30 कदम दाएं जानिब सफेद पानी में एक स्याह हियोला दिखाई दे रहा था। शायद ये कोई उभरी हुई चट्टान थी। अबाका तेजी से बहाव की मुखालिफ सिंत बढ़ने लगा। सामने वाले किनारे पर मुतहरिक मशलें तेजी से करीब आ रही थी। जिस वक्त वो उभरी हुई चट्टान के करीब पहुंचा, नदी के किनारे मशलों की एक तवील कतार दिखाई दे रही थी। वो घुड़सवारों के हियोले नहीं देख सकता था, लेकिन घोड़ों की हनहनाहट और सवारों की दूर अफतादा आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसने अपने कंधे का खूबसूरत बोझ चट्टान पर उतारा, फिर चर्मी थैले पत्थर पर रखकर खुद भी ऊपर चढ़ आया। ये चट्टान दूर से जितनी छोटी दिखाई देती थी उतनी नहीं थी, काफी कुशादा जगह थी। एक जानिब उभरे हुए हिस्से ने अधूरा सा सायबान बना दिया था। दोनों झुककर चलते हुए उस सायबान के नीचे पहुंच गए। मुख्तसर सी आड़ के बावजूद ये जगह हवा की बराह रास्त दर्द से महफूज थी। मारीना और अबाका ने देखा कि किनारे पर नजर आने वाली मशालें कुछ देर मुतहरिक रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि घुड़सवार किनारे पर पड़ाव डाल रहे हैं। मौत के घेरे में वो जिंदगी का नन्ना सा जजीरा था। चट्टान के चारों तरफ नीम तारीख पानी था। उस पानी में कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े फूलों की तरह खिले हुए थे। आसमान पर तारे थे और उन तारों के दरमियान चांद बैठा कोई दिलकश कहानी सुना रहा था। अबाका और मारीना चट्टान के उभरे हुए किनारे से टेक लगाए बैठे थे। जुनूबी किनारे पर दिखाई देने वाली फौज खैमाजन हो चुकी थी। उनकी मुताकिब फौज भी अभी दिखाई नहीं दे रही थी। रात के इस दरमियानी हिस्से में हवा की मध्यम सरसराहट के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक रोशनी आसमान पर थी और एक अबाका के पहलू में। वो यकटक मारीना को देख रहा था। उसकी निगाहों की गर्मी मारीना को पलकें झपकाने पर मजबूर कर रही थी। आखिर अबाका की आवाज ने उसे चौंका दिया। मारीना, ये चांद देख रही हो? हाँ, मारीना ने आहिस्ता से कहा। अबाका बोला, जब ये चांद उस सितारे के करीब पहुंचेगा, हमारा पीछा करने वाली फौज इन पहाड़ियों में पहुंच चुकी होगी। फिर जब चांद इस नीचे वाले रोशन तारे के पहलू में होगा, वो लोग हमें पहाड़ों में ढूंढने के बाद नदी के किनारे पहुंच चुके होंगे। फिर जब चांद इस पहाड़ी के अकब में डूबेगा, सुबह होने वाली होगी, शायद हमारी जिंदगी की आखिरी सुबह। मारीना ने एक तवील सांस ली और बोली, मुझे ये मौत बखुशी मंजूर है अबाका। फिर उसने अबाका की गर्दन की तरफ देखा। वहां फूलदार कपड़ा बंधा हुआ था।
उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह मुझे दे दो अबाका। अबाका ने चौंक कर गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाए और गिराह खोलकर कपड़ा मारीना को थमा दिया। उसने सर से रेशमी चादर उतारकर पानी में फेंक दी और बड़ी मोहब्बत से कपड़ा सर पर ओढ़ लिया। अबाका मारीना के कुछ करीब आ गया। मारीना, वो जज्बाती लहजे में बोला, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। उसकी निगाहें बेकरारी से मारीना का तवाफ कर रही थी। मारीना को अबाका के इस फिक्र ने एकदम परेशान कर दिया। फिर वो संभल कर बोली, अबाका तुम बहुत अच्छे हो, इतने अच्छे कि मैं ना चाहने के बावजूद तुम्हारे साथ चली आई हूँ, और मेरा वादा है जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम इससे खुश नहीं हो? अबाका ने अजीब अंदाज में उसकी आंखों में झांका। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ मारीना। मारीना ने पलकें झपकाई और बाआहिस्तगी खड़ी हो गई। नहीं अबाका, तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है वो तुम्हारी कनीज है। तुम्हारे साथ खारदार रास्ते पर नंगे पांव चलकर मौत का सामना करेगी। अगर मौत ने उसे तुम्हारे साथ चंद दिन और गुजारने की इजाज़त दी तो तुम देखोगे वो तुम्हें कितनी दीवानगी से चाहती है। लेकिन खुदारा उससे कभी ये सवाल ना करना। इस सवाल का जवाब तुम्हारे लिए मायूसी के सिवा कुछ नहीं लाएगा, अबाका बोला। लेकिन मारीना, मैं तुम्हारे करीब आए बगैर नहीं रह सकता, मारीना ने कहा। मत भूलो अबाका कि मेरा तुम्हारा साथ मशरूत है। मैंने रवानगी के वक्त तुम्हें एक शर्त बताई थी और तुमने बिला सुने मंजूर की थी। वो शर्त यही है अबाका, तुम मेरे पास नहीं आओगे, अबाका उलझे हुए लहजे में बोला। लेकिन क्यों मारीना? मैं तुम्हें हासिल करने के लिए आग और खून के दरियाओं से गुजरा हूँ, मारीना बोली। तुम एक औरत के दिल में नहीं झांक सकते अबाका। औरत के दिल की कली सिर्फ एक ही सवेरे में खिलती है। अगर वो ना खिल सके तो हमेशा के लिए मुरझा जाती है। तुम मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज हो, लेकिन अगर तुम अपना अहद तोड़ोगे तो मैं एक पल तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगी। अबाका को ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो उसकी तरफ बढ़ा तो वो पानी में छलांग लगाने से भी गुरेज नहीं करेगी। नहीं मारीना, उसकी आवाज लरज उठी, तुम ये क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हें नाराज करूंगा? मारीना ने रुख फेरकर गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर दोबारा पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। उन दोनों के दरमियान एक बोझल खामोशी हायल हो गई, लेकिन ये खामोशी बेजबान नहीं थी, ये मुतकल्लिम खामोशी थी। दिल की जबान दिल के कान सुन रहे थे। सोच के गैर मरई लहरें इजहारे मुद्दा पर कादिर हो गई थी। अबाका के बेआवाज अल्फाज कह रहे थे, मारीना तुलुए सहर से पहले ये चंद घड़ियां अपनी हैं, इससे पहले ये हसरतें मातमी लिबास पहनकर अजल के अंधेरे में गुम हो जाएं, इस रात की तारीकी में मोहब्बत के चिराग जला लें, इससे पहले कि ये इख्तियारे कामिल पुर हसरत मजबूरी में बदल जाए, अपने शौक को बेलगाम कर दें, इससे बेशतर के बेकरार रूहें हमेशा के लिए फजाए बसीत में भटक जाएं, उन्हें एक कर दें। मारीना के बंद होंठ कह रहे थे, अबाका हम दूर होकर भी करीब हैं मेरे महबूब, मैं तेरे दिल की धड़कनें सुन रही हूँ, तेरी सांसों की आहट महसूस कर रही हूँ, और गम ना कर, ये कुर्बत अबदी है। अगर तू सहरा में चलेगा तो मैं बादल बनकर तेरे साथ रहूंगी, तू बर्फजार में होगा तो तेरी पुश्त से हवाएं रोकूंगी, तू मैदान जंग में होगा तो तेरा पसीना पोंछूंगी, तू सोएगा तो तेरी मुहाफिजत करूंगी, और अगर तेरी रूह फजाए बसीत में भटकी तो मैं फलक फलक उसे ढूंढूंगी। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतती रही, चांद ने अपना सफर जारी रखा। आखिर अबाका और मारीना को नदी के शुमाली किनारे पर भी हरकत के आसार नजर आने लगे। बहुत सी मशालें पहाड़ी के दामन में मुतहरिक हो गईं। फिर अंदाजा हुआ कि बहुत से घुड़सवार किनारे पर जमा हो रहे हैं। शायद चौगताई खान के दस्तों को जुनूबी किनारे पर पड़ाव के आसार नजर आ गए थे। चांद पहाड़ी की ओट में छुप रहा था, मशरिक से सफेदा सहर नमूदार हो रहा था। मारीना अपने दिल की धड़कने गिन रही थी और अबाका तरकश के तीर। अलस सुबह असदुल्ला नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सरदार योरक करीब ही लेटा ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था। रात गए वो इसी नदी के किनारे खैमाजन हुए थे। सोने के लिए थोड़ा सा वक्त मिला था, इसलिए बेदार होना गिरा लग रहा था। फिर भी असलातो खैरु मिनन नोम की आवाज सुनने वाले जाग रहे थे। असदुल्ला खैमे से निकला तो उसकी मुख्तसर सी फौज के कई सिपाही वुजू के लिए नदी का रुख कर रहे थे। असदुल्ला भी उस जानिब चल दिया। उस वक्त उसे शुमाली किनारे पर मुतहरिक रोशनियां दिखाई दी। यूं लग रहा था मंगोल लश्कर का कोई हिस्सा पहाड़ी के दामन में मौजूद है। असदुल्ला की तरह कुछ और सिपाही भी उस जानिब मुतवज्जा थे,
ये निहायत परेशान कुन सूरत हाल थी। वो और सरदार यूरोप के 350 रजाकारों के साथ अबाका की तलाश और उसकी मदद के लिए निकले थे। अपने मकसद में कामयाबी के लिए जरूरी था कि वो मंगोल फौज की नजरों में आए बगैर अबाका तक रसाई हासिल कर लें। उन्होंने अपने दस्तों के साथ अब तक निहायत एहतियात से सफर किया था, लेकिन फौजी लिहाज से इस गैर अहम इलाके में मंगोल फौज से मुठभेड़ हैरान कुन थी। यकीनी बात थी कि मंगोल उनके पड़ाव से आगाह हो चुके होंगे। पड़ाव में 8-10 मशालें उस वक्त भी जल रही थी। असदुल्ला कुछ देर सोचता रहा, फिर भागता हुआ यूरक के पास पहुंचा। उसने यूरक को जगाकर मंगोल फौज के बारे में बताया। वो भी हैरान हो गया। उसने कहा, कहीं वो कोई डाकुओं का ग्रोह तो नहीं? असदुल्ला ने कहा, उनकी तादाद से जाहिर है वो डाकू नहीं। नदी के पार बड़ी तादाद में मशालें नजर आ रही हैं। यूरक पुरसोच लहजे में बोला, अगर मंगोल घुड़सवार इस इलाके में मौजूद हैं तो उनका कोई खास मकसद होगा, वरना जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं यहाँ दिनों इंसानी शक्ल दिखाई नहीं देती। ये तो साफ जाहिर था कि नदी के दूसरे किनारे पर जो कोई भी है उन्हें साफ देख चुका है, लिहाजा अब छुपना फजूल था। मुसलमान सिपाहियों ने वही किनारे पर बाजमात नमाज अदा की। असदुल्ला जब सलाम फेर कर फारिग हुआ तो नदी का शुमाली किनारा धुंधलके में दिखाई देने लगा था। वो देख रहा था, किनारे के साथ साथ 500-600 के करीब घुड़सवार और प्यादे नजर आ रहे थे। उनके लिबासों से साफ जाहिर था कि वो मंगोल लश्कर के सवार हैं। असदुल्ला ने महसूस किया कि वो पहाड़ी के दामन में किसी की तलाश में है। एक चाको चौबंद दस्ता घोड़ों पर सवार नदी के ऐन किनारे पर खड़ा था। ये लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। सरदार यूरक भी खैमे से निकलकर असदुल्ला के करीब आन खड़ा हुआ। दोनों गुफ्तगू करने लगे। मंगोलों की तादाद बहुत ज्यादा थी। बेहतरी इसी में थी कि वो अपनी मुख्तसर जमीयत के साथ यहाँ से निकल जाए। मंगोल सिपाहियों के नदी पार करते करते वो बआसानी अकब के पहाड़ों में रूपोश हो सकते थे। यही वजह थी कि असदुल्ला और यूरक ज्यादा परेशान नहीं थे। वो देख रहे थे कि मंगोल क्या करते हैं। मुसलमान रजाकारों के लिबास ऐसे थे कि उन्हें मुनज़्ज़िम दस्ते के तौर पर पहचाना नहीं जा सकता था। यूं लगता था ये कोई काफिला है या लुटेरों राहजनों का ग्रोह है। शायद मंगोल भी यही समझ रहे थे। असदुल्ला ने देखा कि नदी के किनारे खड़ा मंगोल दस्ता पानी में उतरने के लिए पर तोल रहा था, और फिर एक रजाकार ने चिल्लाकर उंगली से एक तरफ इशारा किया। असदुल्ला ने उस जानिब देखा। पानी के दरमियान एक उभरी हुई स्याह चट्टान दिखाई दे रही थी। अब काफी उजाला फैल चुका था। उस चट्टान पर दो मुतहरिक इज्साम नजर आ रहे थे। असदुल्ला ने देखा, वो मर्द और औरत थे। औरत के सर पर कोई रुमाल नुमा चीज बंधी हुई थी। उसके पहलू में एक मर्द था। उसके कंधे से तरकश लटक रहा था और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। मर्द का योला देखते ही असदुल्ला के जहन में कूंदा सा लपका। मर्द और औरत, कहीं ये अबाका और मारीना तो नहीं? उसने मुतहय्यर निगाहों से यूरक की तरफ देखा। वो भी शायद इसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मर्द ने कंधे से कमान उतारने के लिए थोड़ा सा रुख फेरा और असदुल्ला बेख्तियार चिल्ला उठा, अबाका! दूसरी आवाज में सरदार यूरक ने भी उसका साथ दिया, अबाका! उनकी आवाज पानी पर तैरती हुई चट्टान तक पहुंची। मर्द और औरत ने घूमकर उनकी तरफ देखा। वो 100% अबाका था। सरदार यूरक मारीना को भी पहचान चुका था। यूरक और असद ने निहायत जोश से हाथ मिलाए। अबाका चंद लम्हे साकित खड़ा उन्हें पहचानने की कोशिश करता रहा, फिर दफतन वो भी उन्हें पहचान गया। उसने दोनों बाजू बुलंद किए और जोर जोर से हिलाने लगा। मारीना उसके कंधे से लगी खड़ी थी। इतने में असदुल्ला ने देखा कि करीबन 25 मंगोल सिपाही नदी में उतर कर चट्टान की तरफ बढ़ने लगे हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी ढालें थी। फिर असदुल्ला ने अबाका और मारीना को तेजी से नीचे झुकते देखा। वो समझ गया कि किनारे पर खड़े सिपाहियों ने तीर अंदाजी शुरू कर दी है। वो किनारे पर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, अबाका, हौसला रखो, हम आ रहे हैं। फिर उसने जवानों को इशारा किया। लंबे कद के करीबन 50 मुजाहिद आगे आ गए। असदुल्ला ने उनमें से 25 आदमी चुने और निहायत दिलेरी से नदी में कूद गया। अब एक तरफ से मंगोल और दूसरी तरफ से मुसलमान दस्ता चट्टान की तरफ बढ़ रहा था। यूरक के बाजू का जख्म चूंकि अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ था, वो किनारे पर खड़ा था और बाकी मादा रजाकारों को हिदायत दे रहा था। उन्होंने अपनी कमानें उतारकर तीर चढ़ा लिए थे और नदी की तरफ देख रहे थे। मंगोलों की टुकड़ी चूंकि पहले पानी में उतरी थी, इसलिए वो चट्टान से ज्यादा करीब थी। असदुल्ला तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। किनारे से चट्टान पर मुतवातिर तीर अंदाजी हो रही थी। यही वजह थी कि अबाका और मारीना चट्टान से उतरने में कामयाब नहीं हुए थे। जो ही असदुल्ला और उसके साथी चट्टान के नजदीक पहुंचे, उन पर भी तीरों की बारिश होने लगी, लेकिन उनके पास दिफा के लिए ढालें मौजूद थी।
वो तलवारें सोते चट्टान की तरफ बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ असदुल्ला ने अबाका को चट्टान से तीर चलाते देखा। मंगोल सिपाहियों की टुकड़ी चट्टान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, बल्कि चंद सिपाही ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। फिर असद ने देखा कि अबाका किसी शाहीन की तरह अपनी पनाहगाह से निकला और ऊपर चढ़ने वालों पर टूट पड़ा। उसकी तलवार मखसूस अंदाज में खेलने लगी। असदुल्ला चीखा, अबाका मैं आ गया हूँ। फिर उसने नारे तकबीर बुलंद किया। साथियों ने अल्लाह अकबर से जवाब दिया और तातारियों पर टूट पड़े। चट्टान के इर्द गिर्द बर्फाब पानी में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों किनारों से होने वाली तीर अंदाजी अब रुक गई थी, क्योंकि दस्त बदस्त लड़ने वालों में से कोई भी जख्मी हो सकता था। इस जगह पानी सिपाहियों के सीनों तक पहुंच रहा था। यही वजह थी कि जूं ही कोई घायल होता उसके लिए पांव पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता और वह यकबस्ता पानी में गोते खाने लगता। अबाका की बेजिगरी हमेशा से सवा थी और इसकी वजह साफ जाहिर थी। मारीना चट्टान से उसे देख रही थी। मंगोल सिपाही उसे हकीर चींटियों की तरह नजर आ रहे थे। वो आगे बढ़ बढ़कर उन्हें तलवार से मसल रहा था। दफतन वो बर्फाब पानी में गुम हो जाता, फिर उसकी तलवार किसी मंगोल के जीरी बदन से पार होती और एक चीख तलवारों की झनकार में मुदगम हो जाती। एक मंगोल को जहनुम वासी करके जब उसने पानी से सर निकाला तो शुमाली किनारे पर चौहताई खान का हियोला दिखाई दिया। वो गजबनाक अंदाज में चिल्ला रहा था। फिर अबाका ने देखा कि बीसियों मंगोल उसके हुक्म पर पानी में कूद पड़े। उनकी तलवारें और ढालें सूरज की अव्वलीन किरणों में चमक रही थी। उनकी तादाद किसी तरह भी 500 से कम नहीं थी। फिर अबाका के कानों में एक दूर अफ्तादा आवाज पड़ी। अल्लाह अकबर की ये पुरगूंज सदा जुनूबी किनारे से आई थी। उसने घूमकर देखा। असदुल्ला के जांबाज भी दिलेरी से नदी में छलांगे लगा रहे थे। जब दो फौजें एक दूसरे पर झपटती हैं तो उनकी रफ्तार निहायत तेज होती है, लेकिन यहाँ मामला बरक्स था। चेहरे जोश से तमतमा रहे थे, लेकिन रफ्तार बहुत सुस्त थी। गहरे पानी में कदम तेजी से नहीं उठ सकते थे। नदी के ऐन दरमियान एक चट्टान पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त मुआरका होने वाला था। मंगोल और मुसलमान सिपाही हर लहजा एक दूसरे के करीब पहुंच रहे थे। असदुल्ला जोर से गर्जा, सिपाहियों तुम्हारी तलवारों को खून पिलाने वाले आ गए हैं। इस नदी को इन वहशियों के खून से सुर्ख कर दो। ये कातिल है तुम्हारी इज्जतों और जानों के, इनसे इंतकाम लो। पाया पानी में एक अनोखी लड़ाई थी। इसके लिए अनोखी हिकमत अमली की जरूरत थी। शेर ख्वारिज्म का तरबियत याफ्ता मुजाहिद असदुल्ला अपने सिपाहियों को बहाव की मुखालिफ सिमत ले गया। इस मामूली सी हरकत का जबरदस्त नतीजा बरामद हुआ। मंगोलों ने रजाकारों के मुकाबले आने के लिए अपना रुख उनकी तरफ फेरा तो वह खुद ब खुद बहाव की मुखालिफ सिमत में आ गए। असदुल्ला ने नारे तकबीर बुलंद किया और उसके 300 सरफरोश फर्द वाहिद की तरह मंगोल सिपाहियों पर टूट पड़े। मंगोल तादाद में कहीं ज्यादा थे, लेकिन पहले ही हल्ले में उनके कदम उखड़ने लगे और तब उन्हें अंदाजा हुआ कि मुखालिफ तलवारों की आनत पानी का बहाव भी कर रहा है। चौगताई खान के हुक्म पर नदी में कूदने वाले मंगोलों की तादाद 500 से कम नहीं थी, लेकिन उनमें से 50-60 अफराद तलवारें टकराने से पहले ही बर्फाब पानी में डूब चुके थे। अब मुसलमानों का शदीद हमला जो हुआ तो उनका हरावल दस्ता टूटे हुए तिनकों की तरह पानी में बहने लगा। एक मंगोल शहजादा जो अब तक कई मुसलमानों सिपाहियों को तहे तीख कर चुका था आगे बढ़ा और चिल्ला चिल्ला कर उनकी हिम्मत बढ़ाने लगा। मंगोलों ने मुनज़म होकर जवाबी धावा बोला और मुसलमान सिपाहियों को रोकने में कामयाब हो गए। असदुल्ला ने देखा मंगोल शहजादा सर तपैर आहन पोश था। मुसलमान जांबाज आगे बढ़ बढ़कर उस पर हमले कर रहे थे, लेकिन उसकी तलवार से कट जाते थे। असदुल्ला गजब के आलम में उसकी तरफ लपका और मुकाबला आ गया। दोनों की तलवारें टकराई। असदुल्ला उसकी आहिनी खुद और जर्रा के दरमियान खला में तलवार डालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी एक काया था, किसी तरह काबू नहीं आता था। लेकिन फिर वो दफतन पानी में गायब हो गया। असदुल्ला ने समझा कि वो नीचे से हमला करेगा। उसने तेजी से अपनी जगह छोड़ दी। चंद लम्हे बाद पानी से बुलबुले बरामद हुए। मंगोल आहन पोश किसी मुश्किल में था। फिर अबाका किसी आबी मखलूक की तरह पानी से बरामद हुआ। उसके हाथों में मंगोल शहजादे का कटा हुआ सर था। ये खौफनाक मंजर था। शाहरख से निकलने वाला खून एक लोथड़े की शक्ल में नरखरे से लटक रहा था। असद देखता ही रह गया। फिर अबाका ने कटा हुआ सर हाथों में बुलंद किया और जोर से घुमाकर मंगोलों के दरमियान फेंक दिया। इसके साथ ही मुसलमान सिपाहियों ने जोरदार नारा लगाया और वो मंगोलों पर टूट पड़े। अबाका सबसे आगे था। वो मंगोलों के दरमियान ऐसे कूद रहा था जैसे स्याह बादलों में बिजली। उस वक्त असदुल्ला ने देखा ये दो मंगोल सिपाही चट्टान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। उसने तलवार नयाम में उड़ सी और खून मुंजमित कर देने वाले पानी में तैरता हुआ
चट्टान की तरफ बढ़ा। फिर उसने अबाका की हसीन महबूबा को देखा। वो तलवार सोते बरामद हुई और बड़े अज़्म से सिपाहियों के सामने डट गई। असद के देखते ही देखते उसने एक सिपाही को घायल करके नीचे लुढ़का दिया। असद अब इतने फासले पर पहुंच चुका था कि दूसरे सिपाही को तीर से निशाना बना सकता था। उसने पारी में खड़े होकर तीर जरा पर चढ़ाया, लेकिन उसे खींचने की नौबत नहीं आई। चट्टान पर होने वाली लड़ाई का फैसला हो गया। मुकाबिल सिपाही का पांव फिसला और मारीना की तलवार उसके पेट से पार हो गई। वो लुढ़क कर एक छपाके से पानी में जा गिरा। नदी के अंदर मंगोल सिपाहियों का बुरा हश्र हुआ। उनमें से सिर्फ एक चौथाई जाने बचाने में कामयाब हुए, बाकी कत्ल हुए या डूब गए। मंगोलों के इस नुकसान की एक वजह असद की बरवक्त हिकमत अमली थी। उसने होशियारी का मुजाहिरा करके इब्तिदा से ही मंगोलों को दिफा पर मजबूर कर दिया था। दूसरी वजह इस शिकस्त की यह थी कि चोगताई खान के साथ आने वाले दस्ते में आजमूदाकार सिपाही ज्यादा नहीं थे। कुछ तो सिरे से सिपाही ही नहीं थे, वो शिकारी थे या दूसरे मुलाजमी। चोगताई खान की गजबनाक चिंघाड़ पर उन सबको नदी में कूदना पड़ा था। फिर भी ये फतह असदुल्ला के मुट्ठी भर जांबाजों के उलुल अजमी का मुंह बोलता सबूत थी। सुल्तान जलालुद्दीन। अबाका के जहन में अब इसी एक नाम की बाजगश्त थी। वो इस नाम के मुतालिक बहुत कुछ सुन चुका था, बहुत कुछ देख और महसूस कर चुका था। उसका बस चलता तो उड़कर उस अजीम शान हस्ती के सामने पहुंच जाता। वो चेहरा देखता जिसे शेर का चेहरा कहा जाता था, उन आंखों में झांकता जिनमें तातारियों को जहन्नुम दिखाई देता था। उसके अंदर एक आवाज उठी, अबाका उस दिल शिकस्ता, लेकिन अजीम मुसलमान को तेरी जरूरत है। वो अनगिनत जमानों से तेरी राह देख रहा है, किसी जंगल में, किसी सुनसान बर्फजार में या किसी पहाड़ की खूह में वो तेरा इंतजार कर रहा है। एक अनजानी कशिश अबाका को मगरिब की तरफ खींच रही थी। एक रात उसने ख्वाब देखा। उसने देखा एक नौरानी शक्ल का शख्स दरवेशों का लिबास पहने एक दरिया के किनारे दरख्त से टेक लगाए बैठा है। उसके हाथ में टूटी हुई तलवार है और चेहरे के जख्मों से खून रिस रहा है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खामोशी के साथ उसकी तरफ देख रहा है। उसके लब हिल रहे हैं, लेकिन आवाज अबाका को सुनाई नहीं देती। फिर अबाका ने महसूस किया कि वो भाग रहा है, वो उस दरवेश की तरफ भाग रहा है, लेकिन उसके पांव मनोभारी हैं और उसकी सांस धोंकने की तरह चल रही है। वो जल्द अज जल्द दरवेश के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। वो जानता है ये दरवेश जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह है। फिर दफतन उसकी आंख खुल गई। उसका सारा जिस्म पसीने में शराब बूर था। खैमे में उसके करीबी सरदार युरक गहरी नींद सो रहा था। साथ वाले खैमे में मारीना थी, उससे अगला खैमा असद का था। बर्फानी नदी में चोगताई खान के दस्तों को शिकस्त फाश देने के बाद उन्होंने तेजी से जुनूब मगरिब की तरफ सफर किया था और अब तातारिस्तान से काफी दूर निकल आए थे। उनका रुख कोकंद की तरफ था। करीबन 300 मुसल्लह रजाकार उनके साथ थे। रजाकारों के खैमे करीबी एस्तादा थे। ये पड़ाव एक महफूज वादी में था। ख्वाब देखकर अबाका पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो काफी देर बिस्तर पर बैठा तारीकी में घूरता रहा। फिर एक उमंग के तहत वो उठा और शमादान रोशन करने लगा। रोशनी हुई तो सरदार युरक ने कसमसाकर आंखें खोल दी। फिर उसकी नजर अबाका के चेहरे पर पड़ी और उसकी नींद काफूर हो गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। वो जानता था जब जंगली के चेहरे पर ऐसी संजीदगी नजर आती है तो वो कोई ना कोई गुल खिलाता है। अबाका अपना बिस्तर गोल कर रहा था। फिर वो जरूरी चीजें थैले में डालने लगा। युरक ने हैरत से पूछा, कहाँ जा रहे हो अबाका? अबाका ठोस लहजे में बोला, सुल्तान जलालुद्दीन के पास। सरदार युरक के चेहरे पर तशवीश नजर आने लगी। अबाका, तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि दीवानगी ना करो, पहले हम कोकंद चलते हैं, वहां से पूरी मंसूबा बंदी करके उसकी तलाश में निकलेंगे। अबाका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ तेजी से चीजें समेटने में मसरूफ थे। फिर उसने थैला कंधे से लटकाया, तलवार और तीर कमान संभाल और खैमे से निकल आया। युरक को उससे ऐसी उजलत की तौका नहीं थी। वो अबाका अबाका कहता उसके पीछे लपका। अबाका निहायत बेरुखी से मारीना के खैमे की तरफ बढ़ रहा था। मारीना! वो खैमे से बाहर खड़ा होकर जोर से पुकारा। चंद लम्हे बाद मारीना खैमे से बरामद हुई। उसकी हसीन आंखें नींद से बोझल थी और जुल्फें परेशान। मारीना, मैं जा रहा हूँ, अबाका फैसला कुन लहजे में बोला, तो मेरे साथ चलोगी? मारीना हैरत से कभी अबाका और कभी युरक की तरफ देख रही थी। असद भी खैमे से निकलकर उनके पास आकर खड़ा हो गया। मारीना अबाका का पुरतैश चेहरा देखकर तशवीश से बोली, आखिर हुआ क्या है? असद ने बाआहिस्तगी अबाका के कंधे पर हाथ रख दिया। अबाका, हमसे नाराज हो गए हो?
अबाके ने दुरुस्तगी से उसका हाथ झटका और गरज कर बोला, तुम लोग मुझे और नहीं रोक सकते, मैं जा रहा हूँ और इसी वक्त जा रहा हूँ। योरक भी गुस्से से बोला, अबाका, बेवकूफी की भी इंतहा होती है। तू इस वक्त निस्फ शब को उठकर जलालुद्दीन की तलाश में जा रहा है, जैसे वो सामने वाली पहाड़ी के अकब में बैठा है। अबाका ने योरक को तैश से घूरा लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर उसने मारीना और असदुल्ला के चेहरे देखे, तब एक झटके से मुड़ा और तेज कदमों से घोड़ों की तरफ बढ़ा। मारीना तजब्जुब में असदुल्ला और योरक के चेहरे देखती रही। अबाका घोड़े पर जीन कस रहा था, वो मध्यम लहजे में बोली, सरदार योरक, वो चला जाएगा। योरक भुन्ना कर बोला, मेरी तरफ से आग में कूदे। असदुल्ला ने नरमी से कहा, सरदार योरक, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, तो मान लो। योरक एक ही वक्त में गजबनाक भी था और फिकरमंद भी। अबाका रिकाब में पांव रख रहा था। असदुल्ला ने उसे आवाज दी, फिर भागकर उसके करीब पहुंच गया। मामला गुप्त और शनीद से तय हो गया। असदुल्ला ने अपने तमाम रजाकारों को वापस कोकंद और बर्फ भेज दिया। असदुल्ला, मारीना, अबाका और सरदार योरक घोड़ों पर सवार तबरेज की तरफ रवाना हुए। इत्तिलात के मुताबिक सुल्तान जलालुद्दीन को आखिरी मरतबा तबरेज के नवाह में देखा गया था। असदुल्ला का ख्याल था कि तलाश का काम वहीं से शुरू किया जाए। योरक अभी तक अबाका से नाराज था, लेकिन फिर असदुल्ला और मारीना की कोशिशों से दोनों में सुलह हो गई। अबाका की एक जंगली मुस्कुराहट ने योरक की तमाम खफगी दूर कर दी। उसके पास कुल 6 घोड़े थे, 2 पर सामान लदा हुआ था और 4 पर वो अलग अलग सवार थे जिस इलाके में वो सफर कर रहे थे। तातारियों से मुठभेड़ के इम्कान बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्हें कोई खास खतरा महसूस नहीं होता था। शायद इसकी एक वजह अबाका की मौजूदगी थी। हालांकि सरदार योरक और असदुल्ला भी अपनी अपनी जगह दिलेर जंगजू थे, लेकिन जैसे सितारे सूरज की ज़िया से ताबिंदगी हासिल करते हैं, अबाका की मौजूदगी उनके दिलों को अजीब बेखौफी से भर देती थी।